यूपी में प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला गोरखपुर का है, जहां जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूत्रों की माने तो एक व्यक्ति को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया था, जिसके बाद इमरजेंसी के डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया और उसे बिना पट्टी बांधे मर्चरी भिजवा दिया। वहीं कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों ने जब खून का रिसाव देखा और हाथों में कंपन देखा तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर आनंद फानन में उसे फिर से मर्चरी से निकालकर इमरजेंसी ले गए और डॉक्टरों ने उसे चेक किया तो फिर से उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर मेडिकल चले गए, लेकिन मेडिकल पहुंचते पहुंचते उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई। मृतक की मां का आरोप है कि उसके बेटे के मौत के जिम्मेदार डॉक्टर हैं। ऐसे क्या हुआ है भैया? एक एक्सीडेंटल केस आया है, इन लोगों ने साबित कर दिया डेथ हो गया है और उसके अंदर अभी बॉडी में जान है, फिर भी ये लोग चेकअप नहीं कर रहे, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, 3 घंटे से उसमें लिटाए हुए हैं, बैंडेज तक नहीं किए, अभी कहने पे फिर बोल रही है डेड हो गया है, अभी एम्बुलेंस में लाद के सावित्री बजे उसकी नाड़ी चल रही है, ये बोलता है कि डेड हो गया है और अपने फरार हो गया। फिर यहाँ से हम गाड़ी रिजर्व करके आए हैं टेम्पू बेनीपार से और उसके बाद आए हैं तो हम कहें हमारा बाबू का हाथ कर रहा हूँ जाओ ठंड उधर इलाज चल रहा है, तो हम कहीं इधर कहाँ इलाज होगा, हम दौड़ के आए हैं देखे हैं तो हमको भी दिखा हमारे बाबू का थोड़ा सांसा चल रहा है, लेकिन कोई तोड़ने नहीं दिया, हम ताला तोड़ने जा रहे थे तोड़ने नहीं दिया, 4-5 घंटा उसी में था, फिर भी मेरे बाबू का सांसा चल रहा था, लेकिन वो सब ताला नहीं तोड़ रहे थे, जब सबको दिखाए तो सब लोग बुलाए, उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उठ ही नहीं रहा है, चेक ही नहीं कर रहा है आला लगा के, और यहाँ तक लाते लाते उसका बॉडी ठंडा हो गया। वहाँ से फिर कैसे लेके आए आप लोग? अपनी गाड़ी से लेके आए हैं हम लोग, मतलब डॉक्टरों की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है, पुलिस की भी लापरवाही है, बताइए अभी तक खून चूसा है, थोड़ा भी बैंडेज किया होता सर में। फिलहाल इस लापरवाही ने जिला अस्पताल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और बेहतर इलाज के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। गोरखपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।